हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर कौशल यादव फिर से आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम करने वाले हैं ऑर्थोडोंटिक्स के इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन नीट MDS। तो चलिए जल्द से जल्द शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए फॉर माई लेटेस्ट वीडियो। तो चलिए जल्द से जल्द शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई दी फॉलोइंग इमेज। सो ये कौन सा इमेज है? ऑप्शंस आर एडम्स विद हेलिक्स, एडम्स विद जे हुक, एडम्स विद सिंगल एरो हेड एंड एडम्स विद डिस्टल एक्सटेंशन। तो गाइज, ये एडम्स क्लास्प दिया हुआ है, उसके मॉडिफिकेशन दिए हुए। पहले हमें जानना होगा उसके मॉडिफिकेशन क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले एडम्स क्लास्प होता क्या है? एडम्स क्लास्प जो होता है ये एक रिटेंटिव कॉम्पोनेंट है जो कि वेरियस अप्लायंसेज में यूज होता है, जो कि जैसे हम पार्शल डेंचर्स में यूज करते हैं फॉर रिटेंशन के लिए। अब इसके मॉडिफिकेशंस हैं लाइक एडम्स, पहला इमेज एडम्स विद हेलिक्स, यहाँ पे हेलिक्स का यूज किया गया है, सॉरी यहाँ पे हेलिक्स का यूज किया गया है। सो दिस इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ एडम्स, एडम्स विद हेलिक्स। नाउ इन सेकेंड इमेज एडम्स विद सिंगल एरोहेड, यहाँ पे सिंगल एरोहेड दिया गया। तीसरे इमेज में एडम्स विद डिस्टल एक्सटेंशन, यहाँ पे डिस्टल एक्सटेंशन दिया गया है। एंड फोर्थ इमेज में एडम्स विद जे हुक, यहाँ पे जे टाइप का हुक दिया गया है फॉर एंगेज इलास्टिक्स। ये जे टाइप का हुक देने का पर्पज ये होता है ताकि इलास्टिक्स यहाँ पे एंगेज कर सके हम। सो योर आंसर इज एडम्स विद जे हुक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग अप्लायंसेस। सो ये जो अप्लायंस देख रहे हैं हम इमेज में, दिस इज रॉबर्ट रिट्रैक्टर। वॉट इज रॉबर्ट रिट्रैक्टर? सबसे पहले जानना होगा रॉबर्ट रिट्रैक्टर क्या होता है। आप देख सकते हैं इमेज में यहाँ पे लेबियल बो है। तो लेबियल बो जो ये बनता है, थिन गेज स्टेनलेस स्टील वायर से बना हुआ है ये रॉबर्ट्स रिट्रैक्टर में। ये यूज होता है जब सीवियर एंटीरियर प्रोक्लिनेशन होता है, पेशेंट में सीवियर एंटीरियर प्रोक्लिनेशन होता है ओवर जेट ओवर 4 mm होता है, तब हम इसका यूज करते हैं। और ये लाइटर फोर्स जनरेट करता है बिकॉज फ्लेक्सिबल होता है ये, इसी वजह से दिस इज कॉल्ड रॉबर्ट रिट्रैक्टर। इसका नाम दिया गया है, साइंटिस्ट पे रखा है जिन्होंने इसको इन्वेंट किया है। अब दूसरे टाइप के रिट्रैक्टर्स भी देख लेते हैं, जैसे यू लूप रिट्रैक्टर। यू लूप आप डायग्राम से देख सकते हैं एंड यू कैन अप्रिशिएट ऑल्सो यू शेप जो कि कैनाइन को रिट्रैक्ट कर रहा है, तो दिस इज यू लूप रिट्रैक्टर। नाउ मिल्स रिट्रैक्टर। अब ये मिल्स रिट्रैक्टर क्या होता है, किस चीज के लिए यूज होता है? ये भी एंटीरियर प्रोक्लिनेशन में ही यूज करते हैं, जब एंटीरियर प्रोक्लिनेशन होता है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। बट यहाँ एक्सटेंडेड लेबियल बो दिया गया है, यहाँ पे लेबियल बो है बट एक्सटेंड किया गया है इसको ऊपर तक। क्यों? ताकि इसको फ्लेक्सिबल बना जाए, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं इसको। फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करने से क्या होगा, रेंज ऑफ एक्शन बढ़ेगा हमारा, तो इसी वजह से इसको हमने एक्सटेंड किया। तो दिस इज योर मिल्स रिट्रैक्टर। नाउ रॉबर्ट रिट्रैक्टर एज आई एक्सप्लेन बिफोर ओनली, सो योर आंसर इज रॉबर्ट रिट्रैक्टर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई दी अप्लायंस। गाइज ये अप्लायंस जो है ये हर्ब्स अप्लायंस, इसको हर्ब्स अप्लायंस बोला जाता है। अब ये हर्ब्स अप्लायंस क्या है, ये एक्चुअली ये ग्रोथ मॉडिफिकेशन अप्लायंस है, ये फिक्स्ड अप्लायंस है जो कि क्लास 2 मालक्लूजन में यूज होता है। और ये क्या करता है, ये मूव करता है लोअर जॉ को फॉरवर्ड। अब कैसे ये लोअर जॉ को मूव करेगा फॉरवर्ड? बाय पुटिंग बैकवर्ड प्रेशर ऑन दी अपर मोलर्स। ये अपर मोलर्स में प्रेशर लगाता है जिसकी वजह से आगे लोअर जॉ फॉरवर्ड मूव होता है। और इसको अटैच करते हैं हम लोग मोलर्स टूथ से। बट गाइज ये मूव तो करता है फॉरवर्ड मैंडिबल पर, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये कभी कभी ड्यूल बाइट भी कर देता है और डिसफंक्शन ऑफ टीएमजे में प्रॉब्लम हो जाता है, इसी वजह से इसका इस्तेमाल आजकल कम होने लग गया है। गाइज सो दिस इज हर्ब्स अप्लायंस। अब दूसरे अप्लायंस भी देख लेते हैं, जैस्पर जंपर, ट्विन ब्लॉग्स और बायोनेटर क्या है। सो गाइज ये जो पहला इमेज है दैट इज जैस्पर जंपर।
जैस्पर जंपर क्या होता है? तो जैस्पर जंपर भी क्लास 2 के लिए ही यूज होता है, क्लास 2 मालक्लूजन के लिए यूज होता है, बट यहाँ पे इनकॉर्पोरेट क्या होता है, स्प्रिंग्स, सो दैट इट फ्लेक्सिबल हो सके। तो इसकी वजह से ये लाइट कंटिन्यूअस फोर्स जेनरेट करता है और ये भी क्लास 2 मालोक्लूजन के लिए यूज होता है। नाउ कम टू ट्विन ब्लॉक। तो ट्विन ब्लॉक क्या है, ये भी क्लास 2 के लिए यूज होता है गाइस। और ये ट्विन ब्लॉक जो होता है, ये एक्टिवेट कैसे होता है, जब हम बाइट करते हैं, सोलो करते हैं और टॉक करते हैं, तब ये एक्टिवेट होता है। ये भी लोअर जॉ को फॉरवर्ड मूव करता है, बट गाइज इसमें इंक्लिनेशन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, इसमें ट्विन ब्लॉक में हम लोग इंक्लिनेशन देते हैं। तो पहले क्या होता था, पहले जो इंक्लिनेशन दिया जाता था वो 45 डिग्री दिया जाता था, बट 45 इंक्लिनेशन में क्या दिक्कत होती थी, इससे पोस्टीरियर ओपन बाइट की प्रॉब्लम हो जाती थी। बिकॉज ये क्या करता था, जब वेन वी क्लोज आर माउथ एंड वेन वी डू बाइट, तो क्या होता था, जो मैंडिबल होता था मूव होता था डायरेक्ट एंड मूव फॉरवर्ड एंड इन अ लोअर डायरेक्शन, सो इसकी वजह से पोस्टीरियर बाइट, तो पोस्टीरियर ओपन बाइट हो जाता था। तो इसीलिए इसकी वजह से जो मॉडिफिकेशन हुआ, इस इंक्लिनेशन को 70 डिग्री कर दिया गया, तो जिसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो हॉरिजॉन्टली अप्लाइड होगा। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट इमेज, हर्ब्स अप्लायंस एज वी एक्सप्लेन ऑलरेडी, बायोनेटर। इन फोर्थ इमेज बायोनेटर, सो बायोनेटर इज अ रिमूवेबल अप्लायंस, तो ये यूज होता है ओवर बाइट कंडीशन में, क्लास 2 कंडीशन में भी यूज होता है और क्लास 3 मालोक्लूजन में भी यूज होता है। सो इसके वेरियस टाइप्स हैं गाइज, ये सारे अप्लायंसेज में डिटेल्स में डिस्कस करूंगा इसके नेक्स्ट इमेज में, इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए इतना ही, आइडेंटिफाई द अप्लायंस, इतना ही इस इमेज में अभी हम देखेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल्स में बनाने वाला हूँ, हर एक अप्लायंस को एक्सप्लेन करूंगा, इसके यूजेस, कॉजेज, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द अप्लायंस एंड इट्स इंडिकेशन। तो गाइज ये फ्रैंकल्स अप्लायंस है, आप इमेज में देख रहे हैं फ्रैंकल्स। अब फ्रैंकल अप्लायंस कौन सा है, क्योंकि ये ट्विन ब्लॉक तो है नहीं, ट्विन ब्लॉक हमने पहले ही देख लिया था, तो फ्रैंकल्स क्लास 2 है या क्लास 3 है, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो गाइज फ्रैंकल अप्लायंस पहले क्या होता है वो जान लेते हैं। तो फ्रैंकल अप्लायंस इज अ मायोफंक्शनल अप्लायंस, जो कि इसका मेन फोकस क्या होता है, मॉड्यूलेशन ऑफ न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटीज। तो इसकी वजह से क्या होता है, चेंजेस इन द जॉ एंड टीथ, तो जॉ और टीथ में चेंजेस होते हैं। तो अब इसके टाइप्स, बहुत सारे टाइप्स हैं, पार्ट्स हैं, डिटेल्स में मैं एक्सप्लेन करूंगा इसके नेक्स्ट वीडियो में। अब जान लेते हैं कि ये क्लास 3 मालोक्लूजन फ्रैंकल अप्लायंस है, क्लास 2 फ्रैंकल्स। सो इन दिस इमेज फ्रेंकल क्लास 2, सो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये क्लास 2 है या क्लास 3 है, मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं। आप यहां देख रहे हैं, दिस इज योर लिप पैड, सो दिस इज योर लिप पैड। अगर लिप पैड अगर ऊपर होगा, मतलब अपर रीजन में होगा, सो दैट इज योर फ्रेंकल क्लास 3 मालक्लूजन। अब इसके नेक्स्ट इमेज में देखते हैं, दिस इज फ्रेंकल क्लास 2 मालक्लूजन, क्योंकि ये जो लिप पैड है वो नीचे है, सो आप सिंपली इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं इसके डिटेल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई दी टाइप ऑफ फेस मास्क, विच फेस मास्क दिस इज। सो ऑप्शंस आर ट्यूबिंगर फेस मास्क, पेटिट फेस मास्क, डिलेयर फेस मास्क और नन ऑफ द अबव। तो गाइज ये जो फेस मास्क है वो डिलेयर फेस मास्क है, डिलेयर टाइप का फेस मास्क है, क्योंकि ये इसकी जो बॉडी है वो स्क्वायरिश है, जो डिलेयर में होता है वो स्क्वायरिश रिजिड वायर फ्रेम होता है, जिसमें जो इसके पार्ट्स होते हैं, फोरहेड कप्स दिए जाते हैं, ये फोरहेड कप्स है और चिन कप्स भी दिए जाते हैं इसमें। ये जो है ये एक्स्ट्रा ओरल अप्लायंसेस होते हैं, जो कि हम यूज करते हैं क्लास 3 केसेस में भी, और इसको जो इसको 12 टू
14 आवर्स तक पहनना होता है तब ये इफेक्टिव होता है गाइस। तो ये था हमारा डिलेयर फेस मास्क। अब और टाइप के फेस मास्क को भी देख लेते हैं गाइस। ये पेटिट फेस मास्क, दिस फर्स्ट इमेज शोज पेटिट फेस मास्क, ये भी क्लास 3 के लिए गाइस यूज होता है। इसमें भी चिन कप होता है, 4 हेड कैप्स होते हैं, ट्यूबिंगर फेस मास्क। तो गाइस ये सारे हैं, ये मॉडिफिकेशंस, एक के बाद एक मॉडिफिकेशंस आते गए, जो कंफर्टेबल होता गया वो मॉडिफिकेशंस आते गए। सो दीज आर दी फेस मास्क। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग स्पेस मेंटेनर इज गिवन ओनली आफ्टर द इरप्शन ऑफ। तो गाइज ये लिंगुअल आर्च वायर है, लिंगुअल आर्च स्पेस मेंटेनेंस के लिए यूज करते हैं इसको। तो गाइज इसको कब यूज करते हैं, जब हमारे इंसाइजर्स, यू कैन सी इंसाइजर्स इरप्ट हो चुके हैं, जब इंसाइजर्स इरप्ट होंगे तभी हम इस अप्लायंस को यूज कर सकते हैं फॉर स्पेस मेंटेनेंस। सो आंसर इज इंसाइजर्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग अप्लायंसेस। तो यहाँ पे जो अप्लायंस दिया है दैट इज योर हायरेक्स टूथ सपोर्टेड अप्लायंस। ये हायरेक्स है, अभी टूथ सपोर्टेड है या टिश्यू सपोर्टेड है कैसे पता लगेगा, तो आप देख सकते हैं इसको मोलर से बॉन्डेड किया गया है और प्रीमोलर से बॉन्डेड किया गया है। यहाँ पे एक एक्सपांशन स्क्रू भी लगाया गया है इसमें। तो दिस इज हायरेक्स टूथ सपोर्टेड अप्लायंसेस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द अप्लायंस। ये अप्लायंस कौन सा है, डिजिटल शू, ब्रांड एंड लूप, बैंड एंड लूप, गैबर स्पेस रिगेनर एंड नन ऑफ द अबव। तो गाइज ये जो अप्लायंस है गैबर स्पेस रिगेनर है। तो गाइज ये गैबर स्पेस रिगेनर जो होता है डिजिटलाइजेशन ऑफ द मोलर्स के लिए होता है। इसकी ये इसे सपोर्ट लेता है यहां से एंड ये डिजिटलाइज करता है मोलर्स को। तो दिस इज गैबर स्पेस रिगेनर। अब अलग और दूसरे ऑप्शंस देख लेते हैं। बैंड एंड लूप, सो दिस इज योर बैंड ऑन द मोलर एंड दिस इज लूप, सो दिस इज बैंड एंड लूप। नाउ डिस्टल शू, डिस्टल शू क्या होता है, डिस्टल शू इज ऑल्सो एन स्पेस मेंटेनर। ये कब यूज करते हैं, जब प्री मेच्योरली डेसीडियस मोलर लॉस हो जाता है और जिसकी वजह से परमानेंट मोलर मीजियल साइड में टिल्ट हो जाता है, मूव हो जाता है जिसकी वजह से। तो इसीलिए हम लोग डिस्टल शू का यूज करते हैं फॉर स्पेस मेंटेनेंस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्पेसेस दैट आर सीन बिलो आर नेम्ड एज। यहाँ पे जो स्पेसेस दिया है उसका नाम क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं ये मीजियल टू द मैक्सिलरी कैनाइन एंड डिस्टल टू द मैंडिबुलर कैनाइन है। इट मीन्स दिस इज अ प्राइमेट स्पेस। तो प्राइमेट स्पेस क्या होता है, प्राइमेट स्पेस को सीमियन स्पेसेस भी बोलते हैं और अर्थ्रोपॉइड स्पेसेस भी बोलते हैं इसे। और ये यूज होता है अर्ली मीजियल शिफ्ट। गाइज मैं एक्सप्लेन करूंगा ये सब टर्म अर्ली मीजियल शिफ्ट मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए जान लीजिए कि जो प्राइमेट स्पेस होता है वो मैक्सिलरी के लिए 1.7 होता है एंड मैंडिबल के लिए 1. एंड मैंडिबल के लिए 1.5 होता है। सो गाइज ये था हमारा प्राइमेट स्पेस। नाउ ऑप्शंस में और भी है लीवे स्पेस। अब लीवे स्पेस क्या होता है, लीवे स्पेस हम उसे बोलेंगे, ये क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन दी प्राइमरी पोस्टीरियर टीथ। ये ध्यान रखना गाइज, डिफरेंस बिटवीन दी प्राइमरी पोस्टीरियर टीथ। इसमें कैनाइन फर्स्ट एंड सेकेंड मोलर इंक्लूड होता है, कैनाइन फर्स्ट एंड सेकेंड मोलर इंक्लूड होता है एंड दी परमानेंट कैनाइन फर्स्ट एंड सेकेंड प्रीमोलर। तो ये जो डिस्टेंस है, डिफरेंस है बिटवीन दी प्राइमरी पोस्टीरियर टीथ एंड दी परमानेंट टीथ, जो स्पेस है उसको बोलते हैं लीवे स्पेस। और ये यूज कब होता है, ये लेट मीजल शिफ्ट इसको यूज करता है, लेट मीजल शिफ्ट में ये यूज होता है। सो इसमें जो ईच साइड ऑफ द मैंडिबल में जो लीवे स्पेस होता है वो 2.5 mm होता है और मैक्सिलरी में 1.5 mm एवरेज होता है। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड इन द कंडीशन शोन बिलो इज। तो गाइज ये ट्रॉमा का सिचुएशन है जिसमें टूथ इंट्रूजन हो गया है। सो इंट्रूजन, इस कंडीशन में इंट्रूजन हो गया तो कितना फोर्स लगेगा। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड इंट्रूजन। तो इसमें कितना फोर्स लगेगा, तो गाइज ये इंट्रूजन हुआ है और हमें एक्सट्रूजन करना है। तो एक्सट्रूजन के लिए जो हमें फोर्स लगेगा वो लगेगा 50 to 75 grams। नाउ अगर इसका ऑपोजिट कंडीशन होता, अगर ये एक्सट्रूजन होता, ये एक्सट्रूजन हो गया, तो एक्सट्रूजन में हमें इंट्रूजन करना है तो कितना फोर्स लगेगा, 15 to 25 grams। तो इसमें 15 to 25 grams लगेगा हमें इसको इंट्रूड करने के लिए। सो गाइज आप ये समझ गए होंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्टिवेशन इज डन बाय, अब ये जो अप्लायंस है इसका नाम क्या है। ये जो अप्लायंस होता है इसको बोलते हैं जेड स्प्रिंग। क्या बोलते हैं, जेड स्प्रिंग। तो ये जो गाइस जेड स्प्रिंग है ये यूज क्यों होता है, इसको डबल कैंटिलीवर स्प्रिंग भी बोला जाता है। ये यूज होता है टू प्रोट्रूड अ सिंगल टूथ, और जो जो टूथ टिल्टेड होते हैं पैलेटली उसको प्रोट्रूड करने के लिए फॉरवर्ड, और सिंगल टूथ के लिए यूज होता है। और इसमें पूछा है कि एक्टिवेशन कैसे करें इसको। तो एक्टिवेशन गाइस इसको कैसे करते हैं, जब हम हेलिक्स को ओपन करते हैं, तो ऑप्शन इज द आंसर इज ओपनिंग द हेलिक्स। जब हम हेलिक्स को, ये दिस इज योर हेलिक्स, दिस इज सेकेंड वन, जब हम इस हेलिक्स को खोलेंगे तब ये एक्टिवेट होगा। सो देन ये प्रोट्रूड करेगा हमारे इंसाइजर्स को। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई दी अप्लायंस, ये कौन सा अप्लायंस है। सो गाइज दिस इज सेल्फ सपोर्टेड बकल कैनाइन रिट्रैक्टर। सो ये कैनाइन को रिट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पे लूप दिया गया है। सो दिस इज सेल्फ सपोर्टेड बकल कैनाइन रिट्रैक्टर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिकेशन ऑफ द पिक्चर गिवेन बिलो। सो दिस इज अ पिक्चर ऑफ लिप बम्पर। सो दिस इज वॉट, लिप बम्पर। अब इसका यूज कहाँ होता है, ये लिप बम्पर क्या है। तो लिप बम्पर इसलिए लगाया जाता है फॉर द डिस्टलाइजेशन ऑफ द मोलर। सो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस आर हाइपर एक्टिव मेंटालिस्ट सब्जेक्ट्स, स्पेस रिगेनर, लिप सकिंग सब्जेक्ट्स। तो गाइज ये जब हाइपर मेंटालिस्ट मसल्स होते हैं, जो हाइपर मेंटालिस्ट मसल्स क्या करता है, वो फोर्स लगाता है टूथ पे और उसको इनवर्ड प्रोट्रूड करता, इनवर्ड रिट्रैक्ट करता है। तो ये उस कंडीशंस में भी यूज करते हैं हम इसको, ताकि ये अवे करके रख सके हमारे दांत से मसल्स को। हाँ ये स्पेस रिगेनर भी करता है। स्पेस रिगेनर कैसे करता है गाइस, ये मैंने अभी बोला कि डिस्टलाइजेशन ऑफ द मोलर्स को भी करता है। तो ये मोलर्स को डिस्टल की तरफ पुश करता है, तो डिस्टलाइजेशन की तरफ भी। एंड लिप सकिंग सब्जेक्ट्स में भी ये यूज होता है। सो दिस इज योर लिप बम्पर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग अप्लायंसेस। सो दिस इज योर डिस्टल शू। मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया था गाइस, डिस्टल शू हम तब यूज करते हैं जब व्हेन देयर इज लॉस, प्री मैच्योरली लॉस ऑफ डेसीडियस सेकेंड मोलर। तो जिसकी वजह से जो हमारे परमानेंट मोलर है वो मिजल साइड में टिल्ट हो जाते हैं, इसी वजह से हम लोग इसको लगाते हैं। सो दिस इज योर डिस्टल शू अप्लायंसेस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द अप्लायंस। अब इस अप्लायंस में ये क्या है, दिस इज एन एक्स्ट्रा ओरल अप्लायंसेस, और ये जो है दिस इज ऑक्सीपिटल हेड गियर। ये ऑक्सीपिटल हेड गियर है। अब इसका यूज क्या होता है, इसका यूज इसलिए होता है फॉर द डिस्टलाइजेशन ऑफ द मोलर में यूज किया जाता है, और व्हेन देयर इज एन प्रोट्रूजन ऑफ द मैक्सिला तब हम इसका यूज करते हैं। तो इसमें भी टाइप्स होते हैं गाइज। सो इसके जो टाइप्स हैं, एक होता है सर्वाइकल हेडगियर, बिकॉज द सर्वाइकल रीजन पे इसको इससे सपोर्ट लिया गया है, तो ये सर्वाइकल हेडगियर है। नाउ द कॉम्बिनेशन हेडगियर भी आता है जिसमें हम लोग ऑक्सीपिटल एज वेल एज सर्वाइकल से सपोर्ट लेते हैं, तो कॉम्बिनेशन हेडगियर भी आता है इसमें। सो दिस इज, तो इसको ऑक्सीपिटल से लिया गया है, इट मीन्स दिस आंसर इज ऑक्सीपिटल हेड गियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द इमेजिनरी अक्लूजल प्लेन। अब ये कौन सा अक्लूजल प्लेन है, तो हमारे ऑप्शन है कर्व ऑफ सी, कर्व ऑफ विल्सन, कर्व ऑफ प्लेजर एंड कर्व ऑफ मॉनसून। अब इसमें से कौन सा कर्व है, पहले सबसे पहले हमें जानना होगा।
तो जो कर्व ऑफ स्पी है, अब कर्व ऑफ स्पी क्या है? सो इट इज अ कर्वेचर ऑफ मैंडिबुलर अक्लूजल प्लेन बिगिनिंग एट द कैनाइन, कैनाइन से शुरू होता है एंड फॉलोइंग बकल कस्प को करते हुए ये पोस्टीरियर टीथ एंड थर्ड मोलर एरिया एंड एंटीरियर रीजन तक जाता है। लाइक कैनाइन टिप से शुरू होके ये पोस्टीरियर एंड एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द रेमस तक जाता है। सो दिस इज योर प्लेन कर्व ऑफ स्पी। सो दिस इज दिस प्लेन इज कॉल्ड एंटीरियो पोस्टीरियर। नाउ द नेक्स्ट इज योर कर्व ऑफ विल्सन। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज कर्व ऑफ विल्सन। अब कर्व ऑफ विल्सन क्या है? कर्व ऑफ विल्सन जो होता है, ये जो प्लेन है कॉनकेव होता है मैंडिबल में और कॉन्वेक्स होता है मैक्सिलरी में। ये बको टू लिंगुअल कस्प को टच करता है। सो दिस इज योर कर्व ऑफ विल्सन। एंड कर्व ऑफ मॉनसून, कर्व ऑफ मॉनसून क्या होता है? कर्व ऑफ मॉनसून इन दोनों का कॉम्बिनेशन। सो दैट इज योर कर्व ऑफ मॉनसून। सो दिस इज बकोलिंगुअल। आप देख सकते हैं ये बकल और लिंगुअल कस्प को टच कर रहा है। सो दैट इज इट मींस दिस इज कर्व ऑफ विल्सन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग क्लास। अब ये कौन सा क्लास है? तो गाइज ये इस क्लास को बोलते हैं सदर्न क्लास। अब इसका यूज कहाँ होता है? तो ये सदर्न क्लास जो है ये सिंगल एरो हेड क्लास्प है जो कि प्लेस्ड बिटवीन दी सेंट्रल इंसाइजर्स, सेंट्रल इंसाइजर्स में डालते हैं, और इसको एंटीरियर एनकरेज के लिए यूज किया जाता है। जब एंटीरियर एनकरेज की यूज करना होता है तब हम इसको यूज करते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट। अब इसमें क्या कौन सा है गाइज? हम देख सकते हैं इस डायग्राम में यहाँ पे हमारे पास मोलर बैंड है और ट्यूब है। दिस इज योर ट्यूब। सो आंसर इज बकल ट्यूब शोल्डर्ड ऑन टू दी मोलर बैंड। सो दिस इज योर मोलर बैंड एंड शोल्डर्ड है इसमें दिस ट्यूब। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। शेप ऑफ द हेड। अब यहाँ पे जो ये इमेज है इसका शेप क्या है? तो देर आर वेरियस शेप्स ऑफ द हेड लाइक मिजोसेफेलिक, डोलिकोसेफेलिक, ब्रेकिसेफेलिक। अब इसमें से ये कौन सा शेप है वो हमें जानना है। तो गाइज डोलिकोसिफेलिक उसे बोलते हैं जो लॉन्ग एंड नैरो हेड होता है। गाइज लॉन्ग एंड नैरो हेड और नैरो आर्च रहता है। तो ये इमेज में हम लोग देख रहे हैं दिस इज डोलिकोसिफेलिक क्योंकि लॉन्ग फेस है, दिस इज लॉन्ग फेस। सो एंड व्हाट इज ब्रेकिसिफेलिक? तो ब्रेकिसिफेलिक में शॉर्ट एंड ब्रॉड फेस होता है और ब्रॉड आर्चेस होते हैं। एंड मिजोसिफेलिक इज अ नॉर्मल फेस विद अ डेंटल आर्च। सो गाइज ये था हमारा आज का इमेज। मैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस इंक्लूड करूंगा इसमें, और हम ऑर्थो के नए नए क्वेश्चंस देखेंगे, इमेज बेस्ड क्वेश्चन, और मैं डिटेल में एक वीडियो बनाने वाला हूँ और अप्लायंस में। तो गाइस मेरे वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहेंगे। थैंक यू, बाय।